रेडी तो चले स्टार्ट करते हैं। सत्य की तलाश में जो किताब डॉक्टर प्रशांत पकौड़े ने लिखा, उस किताब की अध्याय 3 की स्टार्ट शुरुआत करते हैं। तो चले, स्मृति, द स्मृति, जागरूकता, अवेयरनेस। हम कई कार्य करते हैं। हम स्वयं देख सकते हैं कि हम शरीर को चला सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं इत्यादि। हमारे लिए एवं अन्यों के लिए कुछ कार्य बहुत स्पष्ट है, जैसे शारीरिक हलचले। लेकिन हमारे विचार और भावनाओं से जुड़े कार्य हमें ही स्पष्ट समझ में आ सकते हैं, दूसरे इन्हें नहीं समझ पाते। इसके अलावा हमारे अंदर एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है जो विचारों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसे जागरूकता यानी कि अवेयरनेस कहते हैं। ये विचारों से भी भिन्न है। जब हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे देने की कोशिश करेंगे तो हम स्पष्ट रूप से इसे समझ सकेंगे। अभी हम भिन्न कार्यों में व्यस्त हैं, जैसे पढ़ना। पढ़ते हुए भी हम जानते हैं कि इस समय हम कौन से शहर या देश में रह रहे हैं। इसके लिए जागरूक विचार नहीं करना पड़ता, पर जागरूकता है कि इस समय हम कहाँ स्थित हैं। इसी प्रकार हम समय आधारित भी जागरूक हैं। हम जानते हैं कि इस समय सुबह है या शाम है या रात्रि है। हम इसके लिए भी जागरूक है कि हम कहाँ से आते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे घर से निकलकर और किसी दुकान पर जा रहे हैं। अधिकतर हम इन कार्यों पर ध्यान नहीं देते, परंतु पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड ही जागरूकता में ये सब चलता रहता है। कदाचित ही हमें स्थान, समय और संवेदना यानी कि सेंसेशन से अवगत होने के लिए सोचना पड़ता है। ये भी संभव है कि ये जागरूकता सही है या गलत जानकारी पर आधारित है। एक व्यक्ति जिसके पास स्थान और समय से संबंधित निहायती असामान्य या गलत जागरूकता है तो वो मानसिक अस्वस्थता का संकेत है। जब कोई जागरूकता के कुछ स्वरूपों के को पूर्णता खो देता है तो वो उसके चेतना खो जाने जैसा संकेत है। जैसे सिर पर चोट के कारण कभी हो सकता है, और इसके अलावा एक अलग प्रकार की जागरूकता जिसमें हम विशेष रुचि रखते हैं, वो है हम कौन हैं। हमारे ध्यान पर आएगा कि हम अपनी जागरूकता में स्वयं का विशेष चित्रण भी रखते हैं। इस विशेष जागरूकता के कार्यों का अध्ययन करना मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इस जागरूकता को संस्कृत शब्द में स्मृति कहेंगे। स्मृति हमारे मन में बैठा हुआ स्वयं का विशेष चित्र है। ये चित्र परिस्थिति अनुसार बदल सकता है और वो घंटे में कई बार बदलता है। ये सूक्ष्म कार्य है और
ज्यादातर हमें ये पता नहीं चलता कि किस समय कौन सा चित्र कार्य कर रहा है। बहुत बार ये हमारे शारीरिक रूप के ऊपर आधारित हो सकता है, जबकि अन्य समय ये हमारे काम, संबंध, पद या भूमिका के ऊपर आधारित हो सकता है। मैं कौन हूँ? ये सवाल जागरूकता से किसी ने अपने आप से किया हो या नहीं, परंतु इस सवाल का व्यक्तिगत जवाब निरंतर हमारे साथ होता है। ये बौद्धिक जवाब नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने इस विषय को बुद्धि के स्तर पर कभी सोचा नहीं होता। भले ही बुद्धिजीवियों ने या तत्वज्ञानियों ने मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर विचार किया होगा, फिर भी बुद्धि से दिया गया चतुर उत्तर एक हो सकता है और व्यवहार में उनकी स्मृति में कुछ और हो सकता है। शायद इस समय अपने स्वयं में स्मृति को ध्यान पूर्वक अवलोकन करने का या ये सुंदर मौका है। इस क्षण मेरी स्मृति में क्या है? वो कौन सी छवि है जिसके साथ मैं खुद को देखता हूँ? मैं अपने आप को स्वयं का परिचय कैसे दूं, या मैं स्वयं का विवरण कैसे करूं? मैं स्वयं के बारे में मैं क्या सोचूं? मैं कौन हूँ? क्या मैं स्वयं को शरीर के शारीरिक बनावट, किसी खास पोशाक, कई आसन या कोई पेशों के संबंध में देखता हूँ? यह स्मृति कोई संपत्ति के आधार पर है, जैसे कि मैं स्मार्ट स्टेटस कर का या बेहतरीन बंगले का मालिक हूँ, या स्मृति दूसरे लोगों पर आधारित है, जैसे कि किसी की माँ या पत्नी। अपने आप में इस स्मृति को निष्पक्ष रूप से देखने में सक्षम होना हमारी यात्रा का पहला मील का पड़ाव है। सत्य स्मृति, द ट्रू स्मृति। कल्पना करें कि एक व्यक्ति घर के बाहर बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठा है, सिर्फ इसलिए कि वो पेड़ के संबंध में वो खुद को पेड़ नहीं कहता है। हम पहले ही इस सत्य की चर्चा कर चुके हैं कि हम अनादि शांत स्वरूप चैतन्य सूक्ष्म ज्योति रूप है। हमारी ये सत्य पहचान है तो हमेशा वास्तविक में की स्मृति होनी चाहिए। किसी भी समय कोई और स्मृति होने की संभावना ही नहीं है। ये चैतन्य ज्योति वास्तविक मैं अपने आप को स्थूल जगत में अनेक स्थूल वस्तुओं के साथ संबंध में पता है। जन्म होते ही उसका संबंध शरीर के साथ हो जाता है। जिस देश में, जिस परिवार में, जिस जाति या धर्मों में उसका जन्म हुआ है, उनके साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। वो इस स्थूल दुनिया के साथ कुछ ही समय के लिए संबंध में आता है और वास्तविक में किसी क्षण भी पूरा दृश्य छोड़कर जा सकता है। भले ही वास्तविक मैं इन स्थूलों संयोजनों के साथ यात्रा करता है, पर वास्तविक मैं तो वही रहता है। वो एक अनादि शांत स्वरूप ज्योति बिंदु ही रहता है। स्वयं को स्त्री या पुरुष समझना भी मना। स्मृति का आधार शरीर पर आधारित है, वास्तविक मैं पर नहीं है।
स्त्री या पुरुष शरीर का प्रकार है तो स्वयं को स्त्री या पुरुष, जवान या बूढ़ा समझना अजीब लगना चाहिए। वास्तविक मैं पूरी तरह से अलग इकाई है और यही उसकी एकमात्र सत्य स्मृति है। यदि अभी हमारी मूल स्थिति निरंतर शांति, खुशी, करुणा की है, परंतु हम जानते हैं कि मानव की वर्तमान स्थिति इसमें बहुत दूर है, तो हम कहे कहां गलत हो गए। आइए हम इस सुंदर शांतिपूर्ण वास्तविक मैं की अपरिहार्य भागों का अनुसरण करें। शरीर में जन्म लेने के साथ ही वास्तविक मैं को शारीरिक रूप से एक शरीर, एक नाम, रिश्ते इत्यादि से जोड़ा जाता है। समय के साथ वो व्यवसाय, पद, राष्ट्रीयता, धर्म, कार्य इत्यादि अनेक से जुड़ता जाता है। जब वास्तविक मैं लंबी समय तक इन समय के सबके साथ बना रहता है, तो वास्तविक मैं अपनी पहचान शरीर, स्थूल वस्तुएं, अन्य व्यक्ति, सामाजिक स्तर इत्यादि ब्रज्जो बातों के ऊपर आधारित होती है। हमने पहले देखा कि वास्तविक मैं कैसे विश्वास करता है कि वो वस्तुओं का मालिक है, फिर उन ब्रज्जो वस्तुओं के साथ अपना तत् आत्म स्थापित करने से वो भ्रम और भी गहरा हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये वास्तविक मैं खुद को शरीर, स्त्री या पुरुष, इंग्लिश या फ्रेंच मानता है, एक स्वयं को अध्यापक मानता है, दूसरा अपने को पिता मानता है। ये सभी असत्य स्मृति के उदाहरण है और यही असत्य स्मृतियां समस्त मानव जाति के लिए सबसे अधिक कष्ट कारक होती है। एक व्यक्ति आम तौर पर दर्जनों असत्य स्मृतियां पालता है जो सभी उसके मन पर प्रभुत्व के लिए आपस में मुकाबला करती है। इसलिए पश्चात हम स्मृति के लिए पहचान यानी कि आइडेंटिटी शब्दों का प्रयोग करेंगे। छत स्मृति को आई कैपिटल आई से और सत्य स्मृति को आई यानी कि स्मॉल लेटर आई से संबंधित करेंगे। सामूहिक भ्रम की शक्ति, द पावर ऑफ कलेक्टिव डेल्यूशन। जीवन में अक्सर हम स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें किसी विषय के बारे में गलत जानकारी होती है। कुछ परिस्थितियों में हम समझ जाते हैं कि इस जानकारी में संदेह है, ये वो पूर्णता से गलत है, पर कई परिस्थितियों में हमें पता नहीं पड़ता कि ये गलत है और हमें आभास भी नहीं होता कि ये सच नहीं है। जब गलत मान्यता को हमारे आसपास के सभी मिलकर बड़े रूप से सत्य घोषित करते हैं, तब समस्या और भी विकट हो जाती है। इस तरह की सामूहिक भ्रम की स्थिति में सही जानकारी भी गलत नजर आती है और ऐसे में कई भी किसी की सहायता यथार्थ रूप से नहीं कर पाता है। असत्य पहचान यानी कि फॉल्स आइडेंटिटी इसका एक उदाहरण है। हम सभी को पूरा यकीन हो गया है कि हम शरीर है, ये हमारे पेशे यानी कि प्रोफेशन है। कभी भी अपने आप को वास्तविक मैं जैसा समझते नहीं है। एक सुरक्षित अनादि चैतन्य ज्योति होने का विचार बिल्कुल अजीब कल्पना अतीत प्रतीत होता है। फिर भी जब हम ये अनुभव करता है कि ये असत्य पहचान हमारे
सभी दुख एवं कष्ट की जड़ है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग ध्यान रखकर पहचान तत्त्वमता को सुधारते हैं, वे अपनी स्थिति को विशाल रूप से बेहतरीन बना सकता है। वे पहचानों की गड़बड़ी समझ पाएंगे, वे गलत पहचानों के पहचानेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका जीवन उनके द्वारा शासित है। उनकी सत्य पहचान को धारण करने की खोज में जो गलत है उसे नहीं छिपाएंगे और ना ही वे प्रमुख भ्रमों को नजरअंदाज करेंगी। उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि वे कहाँ हैं और वे क्या पा सकते हैं। पहचान यानी कि तादात्म्य की हद, द एक्सटेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक राजा को राजा होने की खुशी और नशा तभी होगा जब उसे याद होगा कि वो एक राजा है। अगर उसे भ्रम हो गया कि वो एक भिखारी है तो उसे भिखारी वाली चिंताएं और डर होंगे। उसकी राजा होने की सत्यता तो कायम ही रहेगी और हर एक की दृष्टि में भी वो राजा है, पर राजा होने की खुशी और नशा वो स्वयं अनुभव नहीं करेगा। जब उसकी झोली में पैसे पड़ेंगे तब वो खुश होगा, अगर पैसे खो गए तो वो निराश होगा। ठीक वैसे ही जब वो सुंदर वास्तविक मैं अपनी आय की पहचान में होगा तब उसे सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियां होगी। शांति, खुशी और स्नेह प्रसन्न भावनाएं उसकी जन्मजात स्वाभाविक स्मृति है, स्थिति है। पर जब वो किसी भी आय की पहचान में होगा तो उसे उस आय से संबंधित चिंताएं और इच्छाएं होंगी। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उसके शरीर या रूप की आलोचना के कारण परेशान अशांत होता है तो उसका कारण है कि उस समय वास्तविक में ने समझा कि वो शरीर है और शरीर के आय की पहचान के लिए शरीर की प्रशंसा या आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है। आय की पहचान में जूतों की तारीफ सुनकर उन्हें पहनने वाला खुश होगा, पत्नी की बुराई सुनकर व्यक्ति अशांत होगा। अपने देश के फुटबॉल टीम की जीत उसे बहुत खुशी करेगी। वो स्वयं अपना धर्म पालन नहीं भी करता होगा, पर वो आसानी से उसके धर्म की आलोचना करने वाले के खिलाफ लड़ने जा सकता है। समय के साथ आय का राज्य बढ़ता जाता है। वो उन संस्थाओं से या कामों के साथ अपना तदात्म्य स्थापित यानी कि आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके साथ वो जुड़ा है। वो कुछ विचार यानी कि आइडिया, कुछ मौत और स्वयं की कुछ छवियों यानी कि इमेज के साथ भी तदात्म्य स्थापित करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं उदारचित हूँ, मैं होशियार हूँ या मैं ही हूँ जिसे मान मिलना चाहिए, ऐसे अनेक आई जन्म लेते रहते हैं। इनमें से कई अति सूक्ष्म चित्रण यानी कि इमेजेस होते हैं जो सहजता से पहचाने नहीं जाते। जब हम पूरे दिन अपनी आय के विभिन्न प्रकारों और सीमाओं को गैर
से देखेंगे तो, गौर से देखेंगे तो जानेंगे कि ये सूक्ष्म पहचान यानी कि तादात्म्यता बहुत सामान्य यानी कि कॉमन और अधिकतम बहुत प्रभावशाली होती है। कभी कभी देहभान शब्द का प्रयोग असत आई की पहचान को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक आई का जन्म अर्थात शांति से दूर गमन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक आई होते हैं, अनेक इच्छाएं हैं, कुछ अव्यक्त और कुछ सक्रिय है, और इसी वजह से हमारे असंतुष्ट या दुखी होने के अनेक कारण हैं। तादात्म्य स्थापित करने के परिणाम Consequences of Identification। जब हम हमारी सत्य पहचान को खोकर और स्वयं को हम जो नहीं है वो समझने लगते हैं, तब हमारे मूल अनुभव की दिव्यता हम महसूस नहीं कर पाते हैं। आई की पहचान में हमारा मूल अनुभव सुरक्षा एवं शांति है। जब कोई आई की असत्य पहचान से कार्यशील हो रहा होता है तब तुरंत और सुरक्षा की भावना आ जाती है, क्योंकि जिसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है उसका गुणधर्म अस्थायीता होने के कारण ये पहचान कभी भी गुम हो सकती है, उसे हम खो सकते हैं। इस कारण सुरक्षा का अनुभव करने की इच्छा या हताशा प्रकट होती है या कुछ भी करके उसे हासिल करने की कामना से जोश यानी कि डेस्परेशन आता है। ये तीव्र कामनाएं इंसान को पीड़ा दुख कष्ट की तरफ ले जाती है। आई की पहचान के साथ कर्मों में आने वाले की इच्छाएं शुभ भावनाएं का रूप लेती है, क्योंकि उसकी नींव सुरक्षा और करुणा होती है। उसमें दातापन का भाव होता है। इसके विपरीत आई से उभरी हुई इच्छाएं भिन्न है, जो सुरक्षा को प्राप्त करना चाहती है, और जब एक इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती वास्तविक में अनिश्चितता अनुभव करता है। ये अनिश्चितता ही फिर तनाव खिंचाव चिंता घबराहट या डर का स्वरूप ले लेती है। ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होने पर प्रतिक्रिया अलग होती है। यदि इसके लिए दूसरों को दोषी मान लेते हैं तब क्रोध का रूप ले लेता है ये, या इसके अन्य प्रकार जैसे चिड़चिड़ापन घृणा या प्रतिशोध। यदि स्वयं को दोषी समझ लेते हैं तब इसका परिणाम अवसाद दुख निराश आदि हो जाता है। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति को उसकी अधूरी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो ईर्ष्या का कारण बन जाता है। हमारे अनेक आई है जो वापस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जैसे कि जब अनेक उम्मीदवार हो और सभी राज करुणा चाहते हैं। आई की वापस में टकराहट एवं प्रतिस्पर्धा का नतीजा अपराध भाव और निर्षता है। एक आई कुछ कार्य करता है और उस व्यक्त दूसरे आई कार्य करने में असमर्थ होने का कारण अपराधी होने का भाव आ सकता है, या एक आई कार्य करने को तत्पर होता है पर जब अन्य आई उसके बीच आकर अपना कार्य करने
लगता है, तब उस समय जो कुछ हो रहा है उसमें निराशता आ सकती है। पांच विचार, द फाइव वाइव्स। वाइव्सेस आई का जन्म अर्थात अपवित्य अभिमान यानी कि हिम्पी और ईगो का जन्म होना, जिसे सामान्यतः अभिमान कहा जाता है। कई बार आई से उदित इच्छाएं बहुत भौतिक होती है और वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अमीर व्यक्ति के आई के कारण अधिक धन पाने का लोभ उत्पन्न होता है, जैसे जैसे आई का उत्थान होता है असुरक्षता भी बहुत बढ़ती है और ऐसे ही उसके मूल आवश्यकता से 10 गुना ज्यादा प्राप्त होने पर भी लालच जारी रहता है। कई बार आई से उदित इच्छाएं दूसरे व्यक्तियों से भावनात्मक आधार या उनकी संपत्ति चाहती है, जिसे मोह कहते हैं। जैसे कि माँ होने के आई को बच्चे के उपस्थिति में सुरक्षित महसूस होता है, जबकि बच्चे का कहीं और रहना ज्यादा लाभदायक होने पर भी माँ उसे अपने साथ रखना पसंद करेगी। कभी हम उसे भी प्यार समझकर अपने आप को धोखा देते हैं। मोह शब्द निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी या सारथी भावनात्मक जरूरत को दर्शाता है, जो स्नेह की अनुभूति से बिल्कुल भिन्न है। संपूर्ण काम विकार यानी कि सेक्स लास्ट, संपूर्ण काम विकार यानी कि सेक्स लास्ट का विस्तार काम से जुड़ी हुई पहचान से जन्म लेता है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि सारी कामी चाल चलन सिर्फ एक आई से निकलती है। ये सबसे प्रबल आई हो सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान के बहुत से सिद्धांतों के लिए ये आधार माना जाता है कि काम वासना मनुष्य जाति पर शासन करती है। जिस आई की तृप्ति नहीं होती है वो अपने ही ऊपर यानी आंतरिक क्रोध अथवा दूसरों के ऊपर यानी राज्य क्रोध का निर्माण करता है। इस तरह से अज्ञानता वश मानव द्वारा निर्मित ये सबसे बड़ी पांच बातें, पांच विकार अहंकार यानी कि एरोगेंस, लोभ यानी कि ग्रीड, मोह यानी कि अटैचमेंट, काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर है, और ये सभी गलत पहचान आई का कारण अस्तित्व में है। यानी कि पूरे पांच के बाद बताएं अगर तो ये होते हैं अहंकार, लोभ, मोह, काम और क्रोध। ये सब पांच जो पहचान है ये आई के पूरे गलत पहचान है। स्मृति एवं उसका साम्राज्य यानी कि स्मृति एंड द किंगडम। एक साम्राज्य की कल्पना करें जहां राजा है, मंत्री है और उनका राज्य है। मंत्री का कार्य है राजा को खुश करना। मंत्री पद के लिए अनेक नीतिगत विचारों के साथ कई उम्मीदवार हैं। हर एक की नीति भिन्न है। ज्यादातर उम्मीदवार मंत्री के पद के लिए प्रशिक्षित नहीं है और उनके दिलचस्पी के क्षेत्र भी सीमित है, जैसे कि युद्ध या मनोरंजन। अर्थात जब उनमें से एक मंत्री पद पाता है तो वो पूरा राज्य और राज्य की सारी संपदा और कौशल युद्धों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा मंत्री सब कुछ जुआ खेलने में लगा सकता है इत्यादि।
इस साम्राज्य में मंत्री पद की कई निश्चित अवधि नहीं है। पूरे दिन के अंदर कई बार वो पद बदल सकता है। जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो वर्तमान पदधारी को कुर्सी से बाहर धकेलता है। इसका पद तब तक चलता है जब तक कोई दूसरा उम्मीदवार उसकी कुर्सी ना ले ले। हर एक मंत्री के साथ नीतियां बदलती हैं और उसके साथ प्राथमिकताएं यानी कि प्रायोरिटीज, उद्देश्य यानी कि मोटिव्स और क्रिया यानी कि एक्शंस में भी बदलाव आ जाता है। तब राजा श्याम आनंदित होता है या परेशान होता है, ये बदलते हुए मंत्री की नीतियों पर आधारित होता है। इस साम्राज्य के बिल्कुल समान साम्राज्य हमारे सबके भीतर है, जिसमें वास्तविक में राजा है जो अनुभव करता है। पहचान यानी कि तात्मकता मंत्री का कार्य करती है, जिसका काम है राजा या वास्तविक मैं को सदा एवं खुश रखना। पहचान राज्यों के तन मन धन और समय का उपयोग कर सकती है और इसके फलस्वरूप सत्तारूढ़ पहचान द्वारा वित्ति विचार भावना कृति और दृष्टि इन सभी का निर्धारण होता है। राज्य पाने के संघर्ष में अनेक आई है और एक बड़ा यानी कि ब्लॉक लेटर आई है। जब पहचान काम विकार लास्ट पर आधारित आई है, तब मन तन धन और समय का विकार के लिए उपयोग में आएगा। जब पहचान अमीर व्यक्ति के आई में बदलेगी तो प्राथमिकता प्रायोरिटी भी बदलेगी और तन मन धन और समय उसी प्रकार धन कमाने की उपयोग आएगा और वित्तीय विचार भावना कृति और दृष्टि धन कमाने की प्रति होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी शरीर में है। जैसे कि हमने देखा, मंत्री पद के लिए बहुत शंख और सक्षम उम्मीदवार है और सिर्फ एक ही सक्षम उम्मीदवार है, वैसे ही हमारे मन में अनेक आई है। एकमात्र आई यानी कि ब्लॉक लेटर आई है, कई सारे स्मॉल लेटर आई के बीच में जो एक ब्लॉक लेटर आई है। जब तक पहचान बड़ा वाला आई स्थित शासक नहीं बनता, तब तक सदा बदलते हुए अनेक असक्षम आई की पहचान के शासन से तन मन धन निरंतर एक दिशा से दूसरी दिशा में बढ़ते ही रहेंगे। मानव का मानस, द ह्यूमन फेस। एक व्यक्ति दिन भर विभिन्न पहचानों के साथ गुजरता है। यदि मानव के मानस का फोटो लेना संभव होता तो उसे हम नीचे दर्शाए चित्र जैसा पाते। कई असत्य पहचान है जो हमारे मन पर राज्य करती है। हम निरंतर एक अनुचित पहचान आई से दूसरे में बदलते रहते हैं। कुछ आई दूसरों से अधिक शक्तिशाली होती है और वैसे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग शक्तिशाली पहचान होती है। जैसे कि कई स्वयं के पेशों के साथ गहरा तादात्म्य स्थापित करते हैं तो कोई अपने धर्म या परिवार के साथ, परंतु अधिकतर सामान्य पहचाने हम सभी में होती ही है। क्या कारण है कि हमारे में कुछ आई ज्यादा हावी होते हैं?
क्योंकि हमने अधिक समय इन विशेष पहचानों के साथ बिताए हैं। साथ ही हर क्षण हम विशेष पहचान के कारण सुख या खुशी अनुभव करते हैं, वो उस पहचान की खुराक बन जाती है, फलस्वरूप वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। अहंकार का नशा अहंकार की खुराक हो जाता है। ये हमें इस निकष पर ले जाता है कि दुनिया के तथाकथित सुखों में लिप्त होना अर्थात आय की पहचानों से अहंकार, लोभ, काम, मोह इत्यादि खुशी सुखी होना हमारी आय की पहचान को बढ़ाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार बड़ा वाला आय की पहचान में ज्यादा रहना या आय की पहचान में खुशी अनुभव करना ये आय की पहचान के प्रभुत्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे 60 जो अध्याय है वो खत्म हो जाती है।